हेलो एवरीवन, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे मॉड्यूल डबल इंटीग्रेशन सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं हमने पिछले वीडियो में देखा, उसको यहाँ पर भी वापस से देखने वाले कि किस तरह से सॉल्व होगा। ये अलग टाइप का थोड़ा सा समता इसके लिए मैंने लिया है और ये यूनिवर्सिटी में भी आया। जरूरी नहीं ये मुंबई यूनिवर्सिटी में है, पुणे यूनिवर्सिटी में है या अलग राज्य के यूनिवर्सिटी में है, तो कहीं पर भी आ सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बुक में देखोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो रूल क्या है, सेम रहेगा जो हम लोग पिछले वीडियो में फॉलो करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन फाइंड करना होता है, फिर इसको ड्रॉ करना होता है, स्केच करना पड़ता है, ओके। फिर हम लिमिट फाइंड करेंगे जो चेंज ऑर्डर की है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये स्टेप हम लोग फॉलो करते आ रहे थे, वही फॉलो करेंगे सेम चीज, ओके। तो सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करने का एकदम सिंपल तरीका है, आपको देखना है कि वाई है तो अंदर क्या है ये, तो ये लिमिट इससे रिलेट करेगा और बाहर डीएक्स है तो डीएक्स बाहर वाले से रिलेट करेगा। तो y का वैल्यू क्या दिया है, जीरो, एंड y का वैल्यू क्या दिया है, x, जीरो एंड x। फिर x का वैल्यू क्या दिया है, जीरो, x का वैल्यू जीरो दिया है और x का वैल्यू क्या दिया है, इन्फिनिटी। हो गया, इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन मिलने के बाद हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इसमें y इक्वल टू जीरो का मतलब होता है x एक्सिस, y इक्वल टू जीरो का मतलब होता है x एक्सिस, एंड x इक्वल टू जीरो का मतलब होता है y एक्सिस, ओके। x इक्वल टू जीरो का मतलब होता है y एक्सिस, ये आपको पता है, ओके। तो y इक्वल टू x लाइन है जो एकदम मिडल से जाती है, ये आपको भी पता है, ओके, मिडल से जाती। अगर y इक्वल टू माइनस x होता तो इस तरफ से जाती, सिंपल एकदम। तो इधर लिख दिया y इक्वल टू x। अभी x इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो x का वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पर रहेगा, देखो x का वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ से बढ़ते जा रहा है, x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अब पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। तो ये x इक्वल टू इन्फिनिटी और ये y इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो और ये वाला लाइन, ये तीनों लाइन के बीच में कॉमन रीजन मुझे पता चल रहा है कि ये है, ओके, ये वाला है। इसमें देखो ये वाले रीजन में ये लाइन भी टच है, ये लाइन भी टच है, ये लाइन भी टच है, और x इक्वल टू इन्फिनिटी वो भी टच है, वो पता नहीं कहाँ पर आगे जाके, पता नहीं x इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ पर है, वो पता नहीं मुझे किस तरफ है उस तरफ, ओके। तो ये रीजन आ रहा है, तो इस रीजन में मुझे ये डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन वापस से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन वापस से लिख देता हूँ, x e रेस टू माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय y dy dx और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अभी इसको मैं चेंज ऑर्डर करता हूँ, चेंज ऑर्डर करना पड़ता है हमें, ओके। चेंज ऑर्डर का मतलब dy dx था, तो इसको मैं लिखूंगा dx dy, चेंज ऑर्डर कर दिए। अभी ऑर्डर चेंज करते कभी भी तो हम लोग का लिमिट चेंज होता है, तो लिमिट चेंज कैसे करते हैं, हम लोग अंदर देखते हैं कि क्या है, अंदर क्या है dx, तो dx के पैरेलल एक लाइन, मतलब रीजन में एक लाइन मारते हैं हम लोग x के पैरेलल, तो रीजन में x के पैरेलल एक लाइन मारे। तो सबसे पहले यहां पर कट हुआ, यहाँ पर कट हुआ, तो ये वाले लाइन में x का वैल्यू क्या है, ये वाले लाइन में x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ने x के पैरेलल मारे। x का वैल्यू क्यों देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि x है यहाँ पे अंदर, इसके लिए अगर ये dy होता तो dy के पैरेलल लाइन मारते, फिर हम लोग y का वैल्यू देखते। अभी देखो यहाँ पे dx है, तो लाइन इधर मारे dx के पैरेलल, फिर सबसे पहले यहाँ पर कट किया, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, ये वाले लाइन में y है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y। अभी ये आगे जाके x कहाँ पे कट हुआ, फिक्स ही नहीं है ना, पता ही नहीं चल रहा भाई कहाँ जाके कट हुआ, तो इन्फिनिटी मान लो कि आगे जाके कहाँ पर जा रहा है पता नहीं, इन्फिनिटी, तो इसको इन्फिनिटी बोल दिए। अब dy, बाहर dy है, इसका लिमिट चाहिए, तो देखने का कि रीजन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मतलब y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो देखो यहाँ पे y जीरो है, यहाँ पर y जीरो है, बट ये y रीजन बढ़ते जा रहा है ना, y का रीजन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे कुछ और होगा, फिर ये वाले पॉइंट पे y का वैल्यू कुछ और होगा, ये वाले पॉइंट पे y का वैल्यू कुछ और होगा, ऐसे करते करते वो पता नहीं कहाँ तक जा रहा है y, कितना बड़ा हो रहा है वो भी नहीं पता चल रहा है हमें, ओके। तो y का वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो भी नहीं पता चल रहा है कि कहाँ तक जा रहा है, ओके। तो इस तरह से लिमिट भी फाइंड कर लिया। अब क्या किया हम लोग ने, इक्वेशन फाइंड किया, डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाने के बाद लिमिट फाइंड कर दी। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पर अभी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो इसमें यू इंटू वी लगाना पड़ जाएगा, अपने इंटीग्रेशन में यू इंटू वी लगाना पड़ जाएगा, ओके। तो u इंटू बी ना लगाना पड़े उसके लिए हम लोग क्या इसको कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ये सम को छोटा कर सकते हैं। कैसे, देखो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है साइड में, ओके, यहाँ पर प्रेजेंट है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 नहीं है तो 2 हम लोग डाल सकते हैं ना, ऐसा करके 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड करके डाल सकते हैं, तो 2x इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अभी इसको मैं भूल जाता थोड़ी देर के लिए, ओके। तो ये कभी प्रेजेंट होता है तो हम लोग पुट करते हैं, कोई भी चीज को पुट करते हैं, ओके, कोई भी चीज प्रेजेंट होता है किसी चीज का डेरिवेटिव तो हम लोग उसको पुट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके सम को छोटा करता हूँ, पहले सम को छोटा करना मतलब कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई को हम लोग टी पुट कर देते हैं,
ये पूरे पार्ट को मैंने टी पुट कर दिया, और कभी भी टी पुट करते हैं तो डेरिवेटिव करना पड़ता है, ओके? तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो एक्स से डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स से डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, और वाई कॉन्स्टेंट है उसको ऐसे लिखेंगे, कभी भी हम लोग एक्स से डेरिवेटिव करते हैं तो वाई को कॉन्स्टेंट समझते हैं, ओके? इतना हो गया। और यहाँ पे डी टी टी है तो इसका डेरिवेटिव डी एक्स से करना पड़ेगा, कर दिए, टी का डेरिवेटिव मैंने क्या कर दिया, डी एक्स से कर दिया, इतना हो गया। अभी यहाँ पे देख लो, एक काम करते हैं, डीएक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ओके? तो डीएक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इस तरफ, और ये वाई को मैंने, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 2x इंटू डीएक्स, वाई इंटू डी टी, वाई इंटू डी टी हो गया। अब डीएक्स को इधर ही रखते हैं, वाई डिवाइड बाई 2x डी टी, ठीक है, डीएक्स का वैल्यू निकाल लिए। और एक और चीज की, कभी भी हम लोग कोई भी चीज पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, कभी भी कोई भी चीज पुट करते हैं तो हमारा लिमिट बदल जाता है, लिमिट बदल जाता है, उसको हमें पता करना होता है कि लिमिट क्या है। तो अभी x का लिमिट कितना था, x का लिमिट कितना था, y एन इन्फिनिटी, y एन इन्फिनिटी। तो अभी x का लिमिट y और इन्फिनिटी था, तो अभी हम लोग ने पुट किया t, तो अभी t का लिमिट हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा t का लिमिट। तो t का लिमिट निकालने के लिए हम लोग ये x का वैल्यू जो दोनों है वो यहाँ पर पुट करेंगे। एक बार x का वैल्यू y इसमें पुट करूंगा मैं तो क्या आएगा, तो इसमें y पुट करूंगा तो y स्क्वायर बाय y कैंसिल होगा तो y बचेगा, ओके? अभी इन्फिनिटी इधर पुट किया, तो t यहाँ पे x के जगह पे इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो कुछ चेंजेस हुए नहीं, ओके? कुछ चेंजेस हुए नहीं, तो जो वैल्यू था वही लिमिट वापस से मुझे मिल गया, तो कोई बात नहीं। तो अभी इसको हम लोग नया क्वेश्चन बना देते, क्योंकि जो हमने पुट किया वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीरो से इन्फिनिटी ऐसे ही है, अभी टी का आएगा लिमिट यहाँ पे वाई से इन्फिनिटी, और यहाँ पर एक्स है, एक्स को एक्स रहने देंगे, ई रेस टू, यहाँ पर हम लोग ने एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई को हम लोग ने ये पुट किया है, टी पुट किया है, तो माइनस टी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई को टी पुट किया है, और डीएक्स के जगह पे, डीएक्स के जगह पे हम लोग ने निकाला ये पार्ट, तो वाई डिवाइड बाय 2x, तो डीएक्स के जगह पे आएगा वाई डिवाइड बाय 2x, और डी टी आ जाएगा साथ में, क्योंकि डी टी भी है, और बाहर क्या है, डीवाई, तो डीवाई को मैं बाहर डीवाई लिख दूंगा। इससे क्या होगा, हमारा सम छोटा होगा, कैसे होगा छोटा, देखो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल होगा, ओके? एक्स से एक्स कैंसिल होगा, तो अभी देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करके इसको, जीरो से इन्फिनिटी, और यहाँ पे अभी टी से डेरिवेटिव करना है, तो टी से डेरिवेटिव करना है तो दूसरे जो वेरिएबल होते हैं कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे वाई बाय टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट, उसको ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे, वाई बाय टू कॉन्स्टेंट होगा, एज इट इज लिख देंगे, और ई रेस टू माइनस टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस टी होता है, और डिवाइड बाय माइनस वन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस वन टी के साथ है, इसके लिए डिवाइड बाय माइनस वन करना पड़ेगा, अगर ऊपर टू होता तो टू डिवाइड करना पड़ता नीचे, ओके? तो यहाँ पे अभी हम लोग पुट करेंगे इन्फिनिटी और वाई, ये इन्फिनिटी और वाई यहाँ पे पुट करेंगे, और बाहर क्या है, डीवाई, उसको एज इट इज लिख देंगे, जीरो से इन्फिनिटी, और यहाँ पे आएगा वाई बाय टू माइनस, ये वाला माइनस मैंने आगे लिख दिया। अभी एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, यहाँ पे ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू वाई, एक बार अपर लिमिट यहाँ पे पुट किए, एक बार लोअर लिमिट यहाँ पे टी के जगह पे पुट किए, और बाहर डीवाई ऐसे लिख दिए, ओके? जीरो से इन्फिनिटी y बाय टू, और e रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो माइनस e रेस टू y पुट के यहाँ पे माइनस वाई आएगा, ओके? माइनस वाई आ जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा dy, अभी जीरो में से माइनस जाएगा तो माइनस ही बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, जीरो से इन्फिनिटी y डिवाइड बाय टू इंटू e रेस टू माइनस वाई dy, ओके? इतना आ गया। अभी इसको y से इंटीग्रेशन करना है, जीरो से इन्फिनिटी, और 1 बाय टू को एक काम करते बाहर लिखते, कांस्टेंट है जो 1 बाय टू है, बाहर लिख दिया मैंने, y इंटू ई रेस टू माइनस वाई डी वाई, ये बच्चा इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है, बट यहाँ पर भी y, और ये y से करना है, तो u इंटू बी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो u इंटू बी बचने के लिए हम लोग ने इसको पुट किया था, लेकिन तो भी वापस से u इंटू बी आ गया, लेकिन ये आसान वाला है u इंटू बी है, तो इसको कर लेते, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड वेरिएबल नहीं दिख रहे, ओके? तो u इंटू बी लगाते, लेकिन u इंटू बी लगाने से पहले हम लोग लीएड फंक्शन चेक करते कि इस फॉर्म में है क्या u इंटू बी, लीएड फंक्शन का मतलब लॉग इनवर्स अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल के पहले अलजेब्रा आता है, तो देखो अलजेब्रा पहले आता है फिर एक्सपोनेंशियल आता है, तो अलजेब्रा पहले फिर एक्सपोनेंशियल बाद में, तो सही है, यही फॉर्म में है, तो इसमें कुछ हम चेंज नहीं करेंगे, ओके? लीएड फंक्शन बराबर है, तो यू इंटू बी लगाना पड़ेगा, तो यू इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर रफ कर दूंगा, यू इंटीग्रेशन बी इंटीग्रेशन यू डैश इंटीग्रेशन बी, ये फॉर्मूला होता है यू इंटू बी का, यू इंटू बी का इंटीग्रेशन, तो मैं लिखूंगा u 1 बाय टू कैसे लिख देते हैं ब्रैकेट, u लिखा मैंने u अरे सॉरी u के बदले y है यहाँ पे, इंटीग्रेशन
ई रेस टू माइनस वाई डी वाई माइनस ये माइनस लिखा फिर इंटीग्रेशन यू डैश यू का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव डी वाई बाय डी वाई ओके वाई का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बी अगेन इंटीग्रेशन बी डी वाई और ब्रैकेट के बाहर डी वाई लिख देता हूँ क्योंकि ये इंटीग्रेशन है इसके लिए डी वाई बाहर आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज ओके वन बाय टू को ऐसे लिखा ब्रैकेट इंटीग्रेशन ई रेस टू वाई का होता है ई रेस टू वाई होता है बट माइनस वन डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि माइनस वन है ऊपर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वाई का वन और इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस वाई ई रेस टू वाई होगा बट माइनस वन डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि माइनस वन था ऊपर और बाहर का डी वाई उसको एज इट इज लिख देते ओके इतना हो गया। अभी वो लिमिट जो ऊपर पुट करना है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ओके अभी पहले इसको कंटिन्यू कर लेते हम लोग सॉल्व कर लेते माइनस ये माइनस को मैं आगे लिख देता हूँ वाई इंटीग्रेशन माइनस वाई और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस वाई होगा बट वापस से माइनस वन डिवाइड करना पड़ेगा नीचे क्योंकि ई रेस टू वाई के साथ माइनस वन था तो माइनस वन डिवाइड करना पड़ता है ओके सारे लोग का इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे इन्फिनिटी एंड जीरो एक बार इन्फिनिटी पुट करो एक बार जीरो पुट करो देखो एक बार वाई के जगह पे इन्फिनिटी यहाँ पे पुट किया और ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे पुट किया तो कभी भी याद रखो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है तो ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा ओके ये पार्ट पूरा जीरो हो गया ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी ये पार्ट भी पूरा जीरो हो जाएगा तो मतलब जब अपर लिमिट पुट किया तो जीरो हुआ वन बाय टू अपर लिमिट पुट किया तो जीरो हुआ माइनस अपर लिमिट का तो काम जीरो हो गया ना यहाँ पे जीरो पुट किया यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया इन्फिनिटी पुट किया तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है ओके अभी जीरो पुट करते तो यहाँ पे जीरो पुट किया मैंने तो जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो ही होता है तो ये जीरो आएगा और यहाँ पर देखो यहाँ पे ई रेस टू माइनस जीरो क्या होता है वन होता है ई रेस टू एनीथिंग पावर में जीरो है तो वन ही आता है ओके अगर पावर में जीरो है तो वन आता है तो यहाँ पे वन हो गया वन डिवाइड बाय वन माइनस वन तो ये आएगा माइनस वन ओके इतना आ गया। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस वन जीरो कितना होता है वन होता है और वन मल्टीप्लाई वन बाय टू क्या होता है वन बाय टू होता है तो इस डबल इंटीग्रेशन का आंसर आया वन बाय टू हमने उस रीजन में सॉल्व किया इस डबल इंटीग्रेशन को तो अपना आंसर आया इतना। तो इस तरह से आपको करना है अगर आपको कहीं पर डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं ओके और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें दोस्तों में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ जो कि यूनिवर्सिटी में आईएमपी क्वेश्चंस होंगे वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।